आंकड़े कहते हैं कि अपराध पर नियंत्रण है, पर कुछ सवाल भी तो उठते हैं। मसलन ये कि जेल से आखिर माफिया अपना कामकाज कैसे चलाते हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रशासन की सांठगांठ तो नजर आती है। अगर अगले स्तर पर इस समूचे संगठित अपराध को खत्म करना है तो सीधे तौर पर उन सभी कड़ियों को भी तोड़ना होगा, ध्वस्त करना होगा उस सपोर्ट सिस्टम को भी। दावा है कि जेल में बंद अपराधी जितना बड़ा होता है अंदर उसकी उतनी ही चलती। अपराध व्यक्ति को जेल में डाल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध अक्सर जेल से भी चलता है। जेल में रहकर भी अपना गैंग चलाते हैं। मनचाही बैरक, लजीज भोजन, सिगरेट, शराब, मोबाइल फोन बड़ी आसानी से इनको जेल के अंदर मिल जाता है। लेकिन क्या ये जेल प्रशासन और कैदियों की मिली भगत का इशारा नहीं करता? अतीक का पूरा कारोबार जेल के अंदर से ही चलता था। जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने और व्यापारियों से वसूली का काम अतीक बेधड़क करता था। सेकंड में पेपर वर्क साइन नहीं किए, अंगूठा नहीं लगवाया है, ये दूसरा हाथ जो है ना, ये भी इस्तेमाल के लिए नहीं रखे। सारे पेपर वर्क पहले पलटवा, अंगूठा लगवा। उमेश पाल की पत्नी और मां ने आरोप लगाया कि जेल से अतीक अहमद लगातार उमेश पाल को धमकी देता था कि वो राजू पाल की हत्या मामले में गवाही न दे। अतीक ने जेल के अंदर से ही अपने गुर्गों के जरिए लखनऊ के एक रियल एस्टेट बिल्डर मोहित जायसवाल का अपहरण कराया था। उसके गुर्गे मोहित का अपहरण कर देवरिया जेल ले गए थे और फिर अतीक ने देवरिया जेल में उसके साथ मारपीट की थी। जेल से ही अतीक ने मोहित को धमकी भी दी थी। आपको माघा बजा के स्वागत किया था। जी जी, है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे। जी जी जी, वही तुमको तुम्हारा पैर हम तोड़वा डालेंगे। अब तक देगा कम से कम 10 करोड़, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच। अब मैं तुझको, अब तक मैं तुझसे बताऊंगा तेरे गुंडे का। अरे भाई, मैं कभी आपके खिलाफ गया क्या भाई? औकात मेरे खिलाफ जाएगा तेरे से, हम लोग खिलाफ जाता हूँ। देवरिया जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने एक प्रॉपर्टी डीलर से भी मारपीट की। इस मामले में उसके करीबी रहे जैद खालिद ने अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जैद, हाँ भाई, तुमको याद है तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो। जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठा थे। हाँ 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 हाँ।
तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी, तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाए गए हम, मतलब हम तुम नहीं सुन लो। हाँ, हम फिर कह रहे हैं कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया, और तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बगले के बिना पैसे गए। लेकिन तुम आबिद किया शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे न, न तुम फोन उठा रहे हो न तुम काजे की बात कर रहे हो। अतीक से ज्यादा खतरनाक रुतबा जेल के अंदर मुख्तार अंसारी का रहा। गाजीपुर जेल में 90 के दौर में तैनात रहे एक अधिकारी के अनुसार, उस समय मोबाइल फोन का चलन शुरू नहीं हुआ था, बात करने का जरिया लैंडलाइन फोन हुआ करता। मुख्तार के गाजीपुर जेल पहुंचने के बाद वहां के फोन के बिल का ग्राफ भी मुख्तार के अपराध की तरह बढ़ने लगा। इस टेलीफोन से वे अपने अपराध का साम्राज्य चला रहा था और उसे रोकने का दम किसी में नहीं था। और इनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए थे मुख्तार अंसारी, और इन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे आदमी नहीं रोकेंगे। इन्होंने गेटकीपर से कहा कि उसको अंदर ले लीजिए। गेटकीपर ने अंदर ले लिया उनको। मैंने कहा ये अंदर नहीं आएंगे, बगैर तलाशी के अंदर नहीं आएंगे। इन्होंने तुरंत पिस्टल निकाल ली। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं, मैं क्या चीज हूँ। गाजीपुर जेल में मुख्तार ने अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया था। उसने बैडमिंटन खेलने के लिए बाकायदा कोर्ट बनवाया, जहाँ वो अफसरों के साथ बैडमिंटन खेलता था। तो अगर जेल से ही ये सब कुछ चलता है तो आखिर कैसे? आगरा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है। ये पुलिस रिफॉर्म का हिस्सा है। बेहतरीन और सुरक्षित पुलिस निवेश की गारंटी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ यूपी में, 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ नौजवानों को सीधे नौकरी की गारंटी, 1 करोड़ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी की गारंटी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कानून व्यवस्था सुंदर हुई है। योगी आदित्यनाथ के अनुसार उनकी पुलिस बाहर मजबूत है, लेकिन जेल के अंदर जो जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के जेल विभाग ने आईपीएस अधिकारियों की एक टीम गठित की है, जो राज्य भर की जेलों का निरीक्षण करेगी और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये फैसला 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या के बाद लिया गया। दरअसल जांच के दौरान बरेली के जेलर पर हत्या के आरोपी अशरफ को सुविधाएं देने का शक था, जिसके बाद राज्य सरकार ने बरेली जेल के 6 अधिकारियों को निलंबित किया। इसी तरह मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बांदा जेल में बंद रहने के बाद भी सुविधा देने के आरोप में बांदा के जेल अधीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया। यहाँ से मेरा मैसेज पहुँचा देना, मेरा संदेश पहुँचा देना, जमाना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे, फिर हम देखते हैं कैसे गुजारा करते हो, फिर कैसे मौज मस्ती करते हो, कैसे जेल से बाहर अपने खेल खेलते हो। 11 मार्च के बाद ये आपके सारे खेल खत्म हो जाएंगे। योगी 2.0 के आने के बाद उत्तर प्रदेश में भले ही बाहर से माफिया मुक्त होने का दावा किया जाता हो, लेकिन अभी जेल के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ नियंत्रण की आवश्यकता है।